तो सबसे पहले हमें इस तस्वीर की कॉपी ले लेनी है। जिस तरह से मैंने ये कॉपी ली हुई है, कॉपी लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपने तस्वीर को ड्रैग करके प्लस पे ले जाकर छोड़ देना, तो इस तरह से इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपको ये वाला बटन दबाकर और चैनल मिक्सर पे चले जाना। चैनल मिक्सर पे जाने के बाद इसके जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है उसको हम ग्रीन पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ग्रीन वाला जो फिल्टर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और उसको बढ़ाने के बाद हम यहाँ से जो इसका मूड है उसको स्क्रीन पे कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारे पास बनने जा रहा है। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए कितना सिंपल काम है, आपको जस्ट इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम ज़्यादा करके आप इसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर स्नो प्लेस करनी है, जैसे ऊपर से आसमान से नीचे की तरफ स्नो गिर रही हो। तो उसके लिए मैंने ये वाली तस्वीर डाउनलोड की हुई है नेट से। अगर आप लिखेंगे गूगल पे स्नो PNG तो ये आराम से आपको मिल जाएगी, यानी कि दूसरी या तीसरी तस्वीर है ये, ठीक है। तो इसके साइज़ को इस तरह से बड़ा करके तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे प्लेस करने के बाद गुड वाला जो ओके का निशान है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके मूड को भी चेंज कर लेंगे हम। तो इसका मूड भी मुझे स्क्रीन पे ही रखना है, यानी कि यहाँ पे ये मुझे तकरीबन रियलिस्टिक लग रही है। तो यहाँ पे फिल्टर ब्लर और गोशियन ब्लर पे जाके मैं इसको ब्लर कर लूँगा। यहाँ पे ये सही लग रही है मुझे। यहाँ तक करने के बाद हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। ये आप देख लें, तकरीबन थोड़े से टाइम में हमने एक ज़बरदस्त सी समर टू विंटर इमेज रेडी कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि समर टू विंटर मूड बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है। जस्ट तीन चार स्टेप हमने किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे चैनल मिक्सर सेलेक्ट की है और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो प्रीसेट था वो हमने ग्रीन वाला ले लिया। यहाँ से ग्रीन वाला प्रीसेट लेने के बाद इसकी जो रेड है उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, 68 पे कर दिया उसको। जो ग्रीन था उसको बहुत ज़्यादा यानी कि उसको पेस्टिक बढ़ा दिए 184। ये आपने अपनी तस्वीर के हिसाब से करना, जो भी आप तस्वीर ले रहे हैं, ठीक है। और जो ब्लू है उसको मैंने ये यहाँ पे कम कर दिया और उसके बाद मैंने इसको मूड को कर दिया है स्क्रीन पे। तो ये इस तरह से नीचे वाला जो हिस्सा था वो हमारे पास आ गया था। तो उसके बाद मैंने ऊपर जो PNG है स्नोफॉल की, वो मैंने नेट पर सर्च किया स्नोफॉल PNG, तो ये वाली तस्वीर मेरे पास आ गई थी। उसको मैंने जस्ट ऊपर प्लेस करके और उसके मूड को भी स्क्रीन कर दिया। तो इसमें मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।